दिसंबर वो काल जिसे शेरगढ़ के भूंगरा गांव वाले कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इस दिन गांव में एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसके बाद एक के बाद एक तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई। जिसके घर में शादी थी उसका पूरा परिवार व आसपास के लोग इस हादसे की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद राजस्थान के राजनेता से लेकर व्यापारी व्यवसायी तक के लोग इस गाँव व परिवार को सांत्वना देने के लिए आगे आए। उन्हीं में से एक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी थी, जिन्होंने इस परिवार को संबल प्रदान करके साथ ही एक अस्थायी तौर पर मकान दिया। यह कोई ऐसा वैसा मकान नहीं था, ये चलता फिरता मकान है जिसे कंटेनर में बनाया गया। इस मकान में 3-स्टार होटल की वे सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो एक 3-स्टार होटल में होती हैं। यह कंटेनर स्थायी मकान के रूप में भूंगरा गाँव के सगत सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह को दिया गया। वह इसे हादसे में पीड़ित लोगों को दिया गया, जिसमें वह अभी अस्थायी तौर पर निवास करते हैं। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को भूंगरा गांव में सगत सिंह के पुत्र सुरेंद्र सिंह की शादी थी। शादी समारोह में गैस ब्लास्ट होने के बाद यहां पर कई लोग इस आग की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद पुनर्वास कार्य तेजी से शुरू हुआ। पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की देखरेख में टीम के द्वारा सभी पीड़ितों को अस्थायी तौर पर खाद्य सामग्री वितरण की गई। पीड़ित परिवार सगत सिंह अब स्थायी निवासी कंटेनर के मकान में रहते हैं। पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने बताया कि सगत सिंह के घर निर्माण कार्य में टाइम लगेगा, इसलिए इन्हें स्थायी मकान कंटेनर के रूप में दिया गया, जिसमें 2 रूम अटैच लेट बाथ है। आइए जानते हैं इस मकान में क्या क्या सुविधाएं हैं। आप ये देख रहे हैं, ये पहला कंटेनर है, जो पहला कंटेनर जिसमें है, ये ढाणी देख रहे हैं, पूरी ढाणी सामने देख रहे हैं आप, पूरी तगत सिंह जी की ढाणी है जो आग की चपेट में आ गई थी और पूरा घर ही खत्म हो गया है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ रहने की स्थिति नहीं है, तो इस ढाणी के पास में ही हमने उनके रहने के लिए व्हीकल की व्यवस्था करी है और ये 2 बड़े कंटेनर लगे हैं जो आप देख रहे हैं। आप अंदर आओगे उसमें देखोगे, ये 3 पिलर लगाए गए हैं, कुर्सियां हैं, टेबल है, साथ में यहाँ पर आप जाओगे तो ये शौचालय बना हुआ है। ये शौचालय इसके साथ है, ये 10x20 का कमरा और उसके अंदर अटैच शौचालय बनाया गया है। इसके साथ ही अब दूसरा कंटेनर जो लगाया है उस कंटेनर के अंदर शौचालय है और शौचालय के साथ में यहाँ पर स्नान करने के लिए है और ये यहाँ पर वॉश बेसन लगे हुए हैं। ये कमरा यहाँ है, इस कमरे के अंदर आप देखोगे ये दोनों एक अलमारी है और अलमारी के साथ में 2 पिलंग इस कमरे के अंदर भी लगे हुए हैं। तो आप बाहर आओगे तो ये पूरा बनाया गया है। तो अब इसके अंदर इसमें 4 दीवारी बन जाएगी, 4 दीवारी के साथ में वापसी में एक रसोई बन जाएगी, तो एक वैकल्पिक रसोई बनेगी और 4 दीवारी बना करके यहाँ गेट लग जाएगा। तो पूरा इनके ये अभी अस्थायी आवास का निर्माण किया गया है, तो ये अस्थायी आवास आदरणीय वसुंधरा जी राजे की तरफ से किया गया है और अस्थायी आवास के बाद में जब तक इनका मकान बनेगा तब तक ये कंटेनर यहाँ रहेंगे, तो नया मकान आदरणीय वसुंधरा राजे की तरफ से परिवार के लोग जब भी मौत करेंगे, मौत के बाद तुरंत इस मकान को जल्दी शुरू करा रहे हैं और मकान बन जाएगा और मकान में जब ये वहाँ पर स्थायी निवास कर लेंगे तो फिर अपने साथ लाए हैं ये कंटेनर वापस उनको सपोर्ट किया जाए।